बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम आपके साथ फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं ये कैसे इतने मज़े की है, इतनी टेस्टफुली कैसे बनानी है। तो चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और साथ आपको बताते हैं। 4 अदद हमने केले ले लिए हैं, 1 अदद हमने सेब ले लिया, 2 आड़ू लिए हैं और 1 कीवी ली है, और थोड़े से हमने ब्लैक और ग्रीन ले लिए। हमने अंगूर जो आपको मिले वो ले लें, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो भी फ्रूट आपको अवेल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो प्यारी से फ्रूट काट कर लिया, हमने कटिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, इनकी प्यारी सी कटिंग करनी है। जो हमने फ्रूट काट कर लिए हैं इनको अलग बॉल में डाल के थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स, और साथ ही थोड़े से हम कर लेंगे अनार ऐड। अनार जो बहुत ही रेड हैं, बड़े प्यारे हैं और बहुत स्वीट हैं। तो साथ हमने एक छोटा सा बोल ले लिया, उसमें हमने 3 चम्मच के आसपास चीनी ऐड की है और हम तकरीबन 200 ग्राम इसमें दही ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। दही आप मिक्सर कर लेंगे, मीठा हो खट्टा बिल्कुल ना हो, दही खट्टा हो आपकी रेसिपी में ज़रा भी मज़ा नहीं रहना है, बिल्कुल बेकार बननी है, इधर ज़रा स्वाद नहीं आना। आज टमाटर वाले भाइयों बहनों की छुट्टी है, जिनको भी मिर्चें लग गई टमाटर की वजह से, तो आज उन्होंने कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम आज एक स्वीट डिश आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मतलब कि स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अब दही को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ले आए अपने प्यारे से कटिंग की हुई फ्रूट, वापस इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छा, ये दही बहुत ज़्यादा मतलब क्रीम के आसपास ही होता है, जो हमारे यहाँ इधर सऊदीया में दही मिलता है बड़ा प्यारा होता है, पाकिस्तान की तरह नहीं, कितने खट्टा मिलता है, कितने मीठा मिलता है, कितने कुछ भी नहीं, पानी मिलता है नहीं, इधर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनको करेंगे जी अच्छी तरह मिक्स। साथ में हमने रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी है, ये सारी बोतल ऐसी कोई नहीं है जैसे पानी ना, मतलब कि सिर्फ 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो इनको मिक्स कर लेते हैं और फिर आगे हम आपको बताते हैं। इसमें हमने करनी है जी क्रीम ऐड, पाकिस्तान में तो पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें मिलेंगी आपको, लेकिन इधर 2-3 ब्रांड हैं जो बहुत अच्छे हैं। हमने जो ली है इसका टेस्ट तकरीबन फ्रेश क्रीम की तरह है, जैसे कि घरों में आम दूध के ऊपर एक बलाई होती है, सेम उसी तरह का इसका टेस्ट था। तो हम वैसे वही यूज़ करने वाले हैं। हमारे जो भाई हैं ये आपके साथ स्वीट डिश स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, वो यही वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो ये उन्हीं की चॉइस है, तो वही ये लेके आए हैं। ये हमारे एक भाई हैं जी सुमान भट्ट साहब, तो वो आपके साथ ये प्यारी सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर कर लिया जी क्रीम ऐड। क्रीम ऐड करने के बाद इनको फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स आपने करनी है मतलब हल्के हल्के हाथों से, इनको ज़्यादा आपने कुछ घुमाना नहीं है, खीर नहीं कर लेनी ना, मतलब आराम आराम से थोड़ा आप इनको घुमा लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर जी करेंगे अनार ऐड कर लेंगे और साथ ही थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे, जो प्यारी सी इसकी खूबसूरत सी बड़ी सोहनी सी सोहनी स्वीट सी गार्निश कर लेंगे। अच्छा, आप बिलीव करें कि मैंने बहुत जगह में ये फ्रूट चाट खाई हुई है, लेकिन जो सामान व्हाट्सएप ने बना के दी है इस जैसा टेस्ट आप बिलीव करें ना नारोवाल ना लाहौर किधर नहीं मिला ना, बड़ी मज़े के। ये भी कोई लाला मूसा की स्पेशल रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे तो उसका पूरा का पूरा जो भी निचोड़ होगा वो सब आपके सामने रखेंगे। तो आप कर लेते हैं जी इसको मिक्स, थोड़ा सा हमने कर लिया इनके ऊपर, रूह अफ़ज़ा ऐड ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें, अगर आपके पास ना हो तो ना करें, इसमें को और भी मीठी सी चटनी वगैरह वो जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है इस रेसिपी के ऊपर, आपने ये डालना ऐप आओ ना ना, ऐसा को बम नहीं बनाना, ऐसी स्वीट बड़ी स्वीट डिश बना रहे हैं तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।